हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को सादर नमस्ते, प्रणाम। आइए आज हम यज्ञ चिकित्सा के अनुभव और यज्ञ चिकित्सा के लिए कौन सी सामग्री का कैसे प्रयोग करेंगे, कितनी मात्रा में लेंगे और चिकित्सा रूप में यज्ञ किस प्रकार से करेंगे, उस विषय में हम विशेष करके आज जानने का हम प्रयास करेंगे। तो आप सभी लोगों ने यज्ञ की पूर्व तैयारी कर ली होगी। सबसे पहले हम हवन यज्ञ करेंगे, फिर यज्ञ चिकित्सा के अनुभव के साथ साथ हम रोगानुसार हवन सामग्री आपके सामने रखेंगे। तो आइए सबसे पहले यज्ञ की पूर्व तैयारी। हवन कुंड लगा लिया होगा। हवन कुंड के नीचे छोटी छोटी संविधाएँ आप देख रहे हैं, इस प्रकार छोटी छोटी संविधाएँ लगा दी होगी। उसके बाद उसके बीच में रुई, और उस रुई और संविधाओं के ऊपर गाय का घी हमने पहले से ही सिंचित कर दिया है, और उसके ऊपर थोड़ा सा कपूर लेकर के उसका पाउडर करके हमने डाल दिया। तो इस प्रकार से आपने पूर्व की तैयारी ये कर ली होगी, और इतनी पूर्व तैयारी हवन कुंड के अंदर। इससे अतिरिक्त इस प्रकार तीन संविधाएँ 8 अंगुल की लेकर के इन संविधाओं को गाय के घी से गीला कर दो। ये मैंने कर लिया है, आप भी कर लेवें। और इसके साथ साथ एक प्लेट के अंदर सामग्री, एक छोटी सी कटोरी के अंदर जल आचमन आदि के लिए, और एक छोटी सी प्लेट के अंदर अवशिष्ट जल डालने के लिए, और एक लंबी डंडी वाला श्रू चम्मच, और एक ऐसा पात्र कोई भी गाय के घी को रखने के लिए इस प्रकार डंडी वाला, और एक दीपक, और उस दीपक के अंदर बाती और रुई लगा दी है। थोड़ा सा कपूर अपने पास में रख ले, 1-2 टिकिया, और श्रू के अग्र भाग में भी आप कपूर को इसी प्रकार से लगा दें। और इससे अतिरिक्त एक कलश के अंदर जल, लोटा कलश जो रखा है उसके अंदर पानी जल भर के रख देवें। तो यह यज्ञ की पूर्व तैयारी हमने कर ली है। अब हम यज्ञ प्रारंभ करेंगे। आइए ब्रह्मांजलि में हाथ रखते हुए, पावन ओंकार का उद्घोष करते हुए, मंगलाचरण करते हुए, इस प्रकार मंगलाचरण 3 बार पावन ओंकार का उद्घोष करने के बाद अब हम आचमन और अंगस पर पवित्रीकरण शुद्धिकरण की प्रक्रिया को संपर्क करेंगे। दाएं हाथ की अंजलि में, राइट हैंड में जल लेकर के
अब हम तीन बार तीन मंत्रों के माध्यम से इस पर इस प्रकार जल का पान करेंगे। इसको कहते हैं आचमन। ओम अमृतोपस्तरणमसी स्वाहा। दूसरी बार जल लेंगे। ओम अमृता पिधा नमसी स्वाहा। तीसरी बार जल लेंगे। ओम सत्यम यश श्रीर्मय श्री श्रयताम स्वाहा। अब हस्त प्रक्षालन करने के पश्चात अब बाएं हाथ की अंजलि में जल लेकर के अंग स्पर्श करेंगे। दाएं हाथ की मध्यम और अनामिका दो उंगलियों को जल में स्पर्श करते हुए ओम वाग्म आस्यस्तु ओम नसोर में प्राणो अस्तु ओम अक्षनोर में चक्षुरस्तु ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु ओम बाह्वोर में बलमस्तु ओम ऊर्वोर्म ओजोस्तु ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा मे सहसंतु। शरीर के सभी अवयवों के ऊपर अंगों के ऊपर जल का छिड़काव करते हैं। यह आचमन और अंग स्पर्श पवित्रीकरण शुद्धिकरण की प्रक्रिया संपन्न हुई। अब हम यज्ञ को आगे बढ़ाते हुए हम सब मिलकर के पूरे श्रद्धा भाव के साथ युक्त होकर के हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के आठ मंत्रों का श्रद्धा भाव के साथ उच्चारण करेंगे। अथ ईश्वर स्तुते प्रार्थनोपासना। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव ॐ हिरण्यगर्भस्समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषाविधेम। ॐ य आत्मदा बलदायस्य विश्व उपासते प्रसिसंयस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषाविधेम। ॐ यः प्राणतो निमिषतो महित्वैकैद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पद कस्मै देवाय हविषाविधेम। ॐ ये नद्यो रुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषाविधेम। ॐ प्रजा आपतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा आजातानि परिता बभूव यत्का मास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोर ईणाम्। ॐ स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्
तत्र देवा अमृतमानशानास्त्रिति ये धामन्नद्येरयन्त ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नाम उक्तिं विधेम एतेश्वरस्तु ते प्रार्थनोपासना। इस प्रकार पूरी श्रद्धा भाव के साथ युक्त होकर के वेद मंत्रों का गान पाठ करते हुए ईश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना करते हुए दीप प्रज्वलन करते हुए यज्ञ को हम प्रारंभ करेंगे। तो सभी लोग हाथ जोड़ करके पूरी श्रद्धा भाव के साथ अग्नि देवता का आह्वान करते हुए हम दीप प्रज्वलन करेंगे। ओ तीन महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए दीप प्रज्वलन। दीप प्रज्वलन के पश्चात श्रू के अग्रभाग में जो हमने कपूर रखा है उस कपूर को इस दीपक के माध्यम से प्रदीप्त कर अगले मंत्र के उच्चारण के पश्चात वेदी के मध्य में स्थापित करेंगे। ॐ भूर्भुवस्वर्ग्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्या आस्ते पृथिवी देवयजनि पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाध्यायादधे। वेदी के मध्य में जो हमने कपूर और बाती रुई आदि रखा था उसके ऊपर अग्नि को स्थापित कर देंगे और दीपक को ईशान कोण में रख देंगे। अगले मंत्र के उच्चारण के दौरान इसके ऊपर छोटी छोटी संविधा लगाना, गाय का घी की या कपूर आदि की जो भी आवश्यकता पड़े इस अग्नि को विशेष रूप से प्रदीप्त करने के लिए वो क्रिया हम संपन्न करेंगे। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमीष्टा पूर्ते सगम सृजेथा मयंच अस्मिन् सदस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। अब तीन संविधाएं जो हमने गाय की घी से गीली की हुई भिगा करके रखी हैं उसको दोनों हाथों से इसे प्रणाम मुद्रा में पकड़ करके अब हम वेदी के मध्य में संविधा ध्यान करेंगे मंत्रोच्चारण पूर्वक। ॐ अयन्त एध्मात्मा जात वेदस्ते नेद्य स्ववर्धस्व चेद्दवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ॐ समिधाग्निं दुवस्यत घृतेर्बोधयता तिथिं आस्मिन् हव्याजुहोतन सुस्सविद्धा यशोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ॐ तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा। इदमग्नये अङ्गिरसे इदन्न मम। अब हम पांच घी की आहुतियां प्रदान करेंगे। ॐ अयन्त एध्म आत्मा जात वेदस्ते नेद्य स्ववर्धस्व चेद्दवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ॐ
अयन्त एद्म आत्मा जातवेदस्ते नेद्य स्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्त एद्म आत्मा जातवेदस्ते नेद्य स्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्त एद्म आत्मा जातवेदस्ते नेद्य स्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्त एद्म आत्मा जातवेदस्ते नेद्य स्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। पंचकृत आहुति प्रदान करने के पश्चात अब हम जल प्रोक्षण करेंगे वेदी के चारों दिशाओं में। प्रथम तीन मंत्र के माध्यम से तीन दिशा में, प्रथम मंत्र से वेदी के पूर्व दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर धारा बनाते हुए जल सिंचन करेंगे। ॐ आदिते नमन्यस्व। दूसरी बार जल लेंगे और वेदी के पश्चिम दिशा में जल सिंचन दक्षिण से उत्तर की ओर करेंगे। ॐ अनुमते नमन्यस्व। तीसरी बार जल लेंगे और वेदी के उत्तर दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए जल सिंचन करेंगे। ॐ सरस्वत्यनुमन्यस्व। अब चौथे मंत्र के माध्यम से वेदी के चारों दिशाओं में जल सिंचन करेंगे। मंत्रोच्चारण के पश्चात वेदी के पूर्व दिशा से प्रारंभ कर परिक्रमा क्रम से चारों दिशाओं में जल सिंचन कर कलश को ईशान कोण पर छोड़ देंगे। ओम देव सवितः प्रसुवयज्ञं प्रसुवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। अब हम आघारा वाज्य भाग आहुति चार घी की विशेष आहुतियां प्रदान करेंगे। सबसे पहली आहुति और दूसरी आहुति वेदी के मध्य में प्रदीप्त जो उत्तर दिशा में और दक्षिण दिशा में स्थित संविधाएं हैं उसके ऊपर पूर्व से पश्चिम की ओर धारा बनाते हुए आहुति देंगे और दो वेदी के मध्य में। ॐ अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम ॐ सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम ॐ प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम ॐ इन्द्राय स्वाहा इदमिन्द्राय इदन्न मम। अब हम सामग्री की भी साथ साथ में हम आहुतियाँ प्रदान करेंगे। जो जड़ी बूटियाँ हमारे पास रखी हुई हैं वो जड़ी बूटियाँ वो सामग्री की भी आहुति हम मध्यमा अनामिका और अंगुष्ठ तीन उंगलियों में इस प्रकार जब मंत्र से पूर्व में ओम का उच्चारण करते हैं तब इस प्रकार से हाथ में लेंगे। ये आप देख रहे हैं ऐसे हाथ में लेंगे और स्वाहा पूर्वक ऐसे छोड़ेंगे। ऐसे ही श्रु को भी इस प्रकार से पकड़ेंगे ऐसे अंगुष्ठ और प्रथम उंगली के मूल में और जो मध्यमा उंगली है उसके प्रथम
जोड़ पर और अंगूठे से इसे दबा देते हैं और प्रथम उंगली को ऐसे सीधा कर देते हैं। इस प्रकार से ये श्रू पकड़ने का एक तरीका होता है और इसमें कटोरी ऊपर की ओर। जब मंत्र से पहले ओम बोलते हैं तब हम इस प्रकार से ऐसे घी भरते हैं चम्मच से, इस प्रकार से ऐसे ओम से पूर्व में, और जब अंतिम में स्वाहा करते हैं तो स्वाहा के साथ इस प्रकार से इसे आहुति देते हैं। तो इस प्रकार से घी और सामग्री की दोनों की हम हर मंत्र के साथ 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 में आहुति देंगे। दो लोग हैं या दो से अधिक हैं तो एक व्यक्ति जो पूर्वाभिमुख होकर के पश्चिम दिशा में बैठा है वह घी की आहुति देंगे, उससे अतिरिक्त सारे लोग सामग्री की आहुति देंगे। और यदि अकेले ही कर रहे हैं तो वही व्यक्ति सामग्री की भी आहुति देंगे और घी की। पहले घी की आहुति दे दी ऐसे और उसके बाद सामग्री को दाएं हाथ से लेकर के और आहुति दी, अर्थात दाएं हाथ से ही हमें घी की भी आहुति देनी है और सामग्री की भी आहुति देनी है बाएं हाथ से। न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकल्मिषैः, भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अर्थात जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकल्मिषैः सभी प्रकार के पापों से दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुञ्जते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणा, जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं। उस संतान भी नहीं, और संतान भी होती है तो मिसकैरेज हो जाता है 5 महीने 3 महीने 4 महीने, तो उस तरह से वो बहुत दुखी हो, तो ऐसा लगा कि अभी अभी संतान नहीं होगी, तो बताया तुम्हें बेटी निराश मत हो, तुम एक काम करो हवन में आया करो। वो हवन में आती रही और आती रही। उसके बाद में फिर एक बार बोले मेरे घर पे भी थोड़ा हवन मेरे को करवाना, मेरी माता जी आई हैं, तो मैं हम चलो हमारी महिला मंडल है मधु बहन और ये सब जो जितने थे ये अपना थक्कर माता जी वगैरह थी तब, और इनके घर पे गए हवन किया। उस दिन से फिर इसने भी हवन शुरू कर दिया और ये जो है उसके बाद में दूसरे महीने में या जो प्रेगनेंसी रही और वो उसके बाद हमारे पास आती है, उसका नाम रखा। फिर बच्ची पैदा होने के बाद स्वस्थ हो, एकदम स्वस्थ पैदा हुई, उसके बाद कोई मिस्कैरेज नहीं हुआ और स्वस्थ रह करके उसका नाम रखा अदिति, अदिति रखा अदिति। तो अदिति वो भी बड़ी, जब उसके बाद में जब आई तो हवन में गूंजती थी, हवन होता था तो बड़ी झूमती थी, बोला हवन होता है तो ऐसे करती रहती थी। तो संस्कार ये थी संस्कार। अभी भी एक बच्चा आता है वो भी यज्ञ में ऐसा ही हुआ, तो अभी यज्ञ में खूब जो है झूमता है, वो छोटा है लेकिन यज्ञ जब होता है सुनता है मंत्रों को, जब गर्भावस्था में भी सुनती रही मंत्र, तो यहाँ पे भी वही मंत्र सुने जा रहे हैं बाहर में आके, और वो जो है एकाग्र हो जाता है, सब बच्चों की तरह उसको देखो एकाग्र हो जाएगा, तो ये प्रभाव पड़ता है। और आज ऐसा ही केस नहीं, एक ही केस नहीं हमारे सामने, बहुत सारे केस 20-25 केस ऐसे हुए जिनके हारमोन्स जो है बैलेंस नहीं रहते थे, हारमोन्स भी बैलेंस होते। फिर यहाँ आने के 4-5 महीने बाद ही फिर मैं प्रेग्नेंट हुई और उसके बाद यज्ञ में आती रही, फिर उसके बाद कोई दवा वगैरह भी नहीं लेना पड़ा और अच्छी तरह से फिर डिलीवरी हो गई। बच्ची भी बहुत अच्छी, संस्कार भी उससे बहुत अच्छी। हमारे बीच में है अभी आ रही है तारा बहन, ये अब सीधी चल रही है ना, ये सीधी नहीं चलती थी, ये टेढ़ी चलती थी और उनको आने में 20 मिनट लगती थी यहाँ तक, हमारे यहाँ सेंटर से आने में 20 मिनट, धीरे 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 चलती थी और अर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी। कोई मेडिसिन नहीं, केवल यज्ञ के द्वारा इसको तारा बहन को लाभ हुआ है, वो चमत्कार लाभ है, वो अपना अनुभव शेयर करेंगी। अर्थराइटिस की मेरी बीमारी थी, मैं आ नहीं सकती थी, मैं चल नहीं सकती थी, मैं दिन रात रोती थी, मैं पार्क में झूले पे जाती थी तो झूले पे सिर्फ जाके बैठती थी और बैठने के बाद जब उठती थी तो मैं गिर जाती थी, वहाँ सैकड़ों आदमी देखते थे, मुझे इतना शर्म आता था, मेरी उम्र नहीं है कि मैं लड़खड़ा के गिर जाऊँ। यज्ञ में मैं बैठती थी, तीसरे दिन से मुझे आराम आने लगा, इसके लिए मैं तो यज्ञ का सर्वथा ही आभारी हूँ और यज्ञ से जो लाभ मिलता है उसका हमें सुखद अनुभव है कि मेरा घुटने का जो दर्द था
वो चला गया, मेरा जो लंगड़ापन था वो चला गया, जो मेरे आँख में मोतिया बिंद है अभी 8-9 साल से होते हुए भी मुझे यहाँ आने से कोई प्रॉब्लम। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है, मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं, पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति माँ के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।